गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं मुंबई। मुंबई में हमारा जो है नेटफ्लिक्स का शूट है, तो उसी को करने के लिए और हमारा बैग पैक हो चुका है, बाहर गाड़ी लग चुकी है। और थोड़ा सारा मैं आपको बेड की हालत दिखाना चाहूँगा कैसी हो रही है। ये देखिए, इस तरीके से लड़कों की हालत होती है। पर कोई नहीं गाइस, मैं निकल रहा हूँ तो घर वाले कर देंगे सही, तो हम चलते हैं और आपको दिखाते रहेंगे कैसा शूट था, कैसा मज़ेदार था, क्या था, जो भी था। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए वसीम अहमद ब्लॉग, वसीम अहमद ऑफिशियल पे ब्लॉग्स। सो राजीव गांधी जी नमस्कार, नमस्कार गांधी जी। गाइस, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस लोंडे को, हमने ले लिया वैसे, और कितनी महंगाई है वो दिखाना चाहता हूँ। 100 रुपये की सारी कहने हैं, 100 रुपये, ये 125, 100 रुपये, 100 रुपये, इतनी महंगाई है भाई एयरपोर्ट पे, तो मैं बर्बाद हो गया। सो गाइस, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बाकी सब लोग, दो किधर को भाग गए, एक उधर, दो उधर भाग गए, एक बाथरूम भाग गया, उसका ब्लेड क्या हो, पेट का जो हाजमा है वो दुरुस्त नहीं है, शानदार नहीं है, ऐसी है नॉर्मल। मेरा चेहरा सही आ भी रहा नहीं आ रहा, पहले चेक कर लूँ। सो गाइस, फाइनली पहुंच गए होटल, और होटल के बाहर का व्यू जो है वो ऐसा है, जूहू चौपाटी वाला। ये जूहू चौपाटी पे हमारा होटल है। अरे फोकस कर ले मेरी जान, ये जूहू चौपाटी पे होटल है और यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये जू है, प्यारा सा, छोटा सा, बढ़िया सा। सो गाइस, कल है हमारा शूट, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। गाड़ी वाले ने, टैक्सी वाले ने बहुत ही ऐसी तेज़ी कर दी, 2 घंटे में छोड़ा है मुंबई एयरपोर्ट से यहाँ पर जूहू चौपाटी पे, 2 घंटे में पता ना कहाँ कहाँ घुमा रहा था, समझ में नहीं आया उसका बेचारे का, रास्ता भूल गया जाना क्या हुआ। सो गाइस, पहुँच गए हैं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर रात को निकलते हैं बाहर घूमते हैं फिरते हैं। हाँ भाई, क्या कह रही तू? हाँ भाई, क्या कह रही तू बता? वोटे का, वोटे का यहाँ पे लिख लिया, ये कह रहे के नाम है, मैं कि माचो दिखा दो भाई, नाइकी दिखा दो, कोई छोटा ब्रांड है ही नहीं। गाइस, जियो वर्ल्ड आए थे और बहुत ही प्यारा बना हुआ है, देखने के लिए आए, यहाँ से चीज़ें तो खरीदी जाएंगी नहीं। एक में बिच्ची लग गई, कुच्ची के शोरूम में घुसते ही, बढ़िया। कोने में आके गाइस, हमारा, आपका नाम क्या है? प्रिंस पांडे। ये है प्रिंस पांडे और ये हमारा मेकअप करेंगे। हम पहुंच गए वैसे तो नेटफ्लिक्स के सेट पे, और ये हमारा अकेले का रूम है, अकेला कर दिया टीम को, पता नहीं क्यों, कोई नहीं, अभी मेकअप करा लेते हैं फिर आपसे शूट पे मिलते हैं। सो गाइस, ये हमारा आज का कॉस्ट्यूम है, चलो ले काम पे लगा। गाइस, वसीम भाई का मेकअप हो चुका है डन, अब इनका कॉस्ट्यूम हो चुका है डन, अब जरा कपड़े उतार लो कॉस्ट्यूम बन गए। तो वसीम भाई अभी मजा आ रहा है, यार पैंट खोल लिया मैं, बंद कर, पैंट तो मत दिखा, पैंट का खोल दे, चलो वसीम भाई मना कर रहे हैं पैंट दिखाने के लिए, सही है, पूरी दिखा दे पैंट। गाइस, कुछ ये हमारा कॉस्ट्यूम है, बट पैंट बहुत लूज है, इतनी लूज है पैंट, इनको नाप भी मैंने दिया था बट पता नहीं 34 ला कर रख दी इन्होंने, बट 23 लानी चाहिए, मतलब मेरी पेटी जो है 32 है, तो इन्होंने 34 ला दी पेटी, तो टेलर होंगे इनके, वो करके देंगे जो भी है। बट तुम्हारा भाई कैसा लग रहा पहले ये होता है, ऑलमोस्ट ही हो रहा है ना, ये मस्त। वसीम भाई की कॉफी खुद पी गया साले कमीन, अबे गिरावा तो मेरे कपड़े खराब कर दुर्भावंज है, शूट के लिए रेडी रेडी भाई, कपड़े पैंट आ जाओ बस, पैंट फिटिंग सही नहीं आई, फिटिंग सही नहीं आई,
पता नहीं 34 की क्यों लिया है पार्किंग का। मेजरमेंट तो दिया था, मैनेजमेंट दिया। कितना टाइम खत्म करके चल रहा है पता ना, कोई चेंज बता रहा है अभी आएगा। हाँ वो अगले कॉस्ट्यूम का चेंज है ना उसमें, मतलब कह रहे थे ये वाला कॉस्ट्यूम जो है ना अगले उसका है। अच्छा वो तुम्हें फिर उसका करना पड़ेगा। तो उसमें तो मेरा कुछ है ही ना, मेरे क्या है, मेरा एक ही तो है। तो हो सकता तुम्हारा नहीं करवाया, लेकिन बहरहाल इसमें है, इसमें तो है ना, फर्स्ट वाले में तो है, इस वाले में तो यही कॉस्ट्यूम रहेगा। कम इन। बार बार आ रही है, बार बार वगैरह ऐसे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा और कुछ पिज़्ज़ा ढोकला खांडवी सैंडविच सैंडविच चल रहा है, सैंडविच चल रहा है, वेज वेज ही रहेगा। हाँ वेज। फाइनली वसीम भाई के कपड़े उतरवा लिए भाई साहब, तीसरी बारी हो रही है, तीसरी बारी ये काम हो रहा है वसीम भाई के साथ। पर कोई बात नहीं, कोई वाला कर लेते यार। कौन सा वाला कॉल किसकी आ गई मेरे पास? हाँ नाजिम भाई, हाँ ओके मैं जाऊँगा सूट पे। ना जाऊँगा कहाँ पर, अभी जाओगे? चलूँगा यार मैं देर में। काट डालूँगा मैं अपने फ़ोटो लेने के व्यस्त, हट जाओ ये दोनों दोनों अपने फ़ोटो लेने के व्यस्त। अरे उखाड़ लो ना इस बहन के पोसड़े को, लेकर चलना है कार में रख के। अभी कुछ पोस्टिंग का प्लान है क्या आप लोग का? वैसे नाज़िम भाई चलो